Hi all students, today I'll explain you all the second part of chapter 6th, which title is The Man Who Fought Windmills. अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है कि डॉन क्विक्सोटो अपना जो आर्मर है, जो कवच है, उसको पहन करके निकल जाते हैं. सैंचो को साथ ले लेते हैं, जो सैंचो उनका असिस्टेंट रहता है. उसके बाद फिर ऐसे चलते चलते ये लोग एक बहुत बड़े से फील्ड पे पहुंच जाते हैं, बहुत बड़े फील्ड में पहुंच जाते हैं, जहां पे इन्हें कुछ विंडमिल्स दिखाई देते हैं. ओके, कई सारे विंडमिल्स दिखाई देते हैं, खूब बड़े बड़े. तो इन्हें लगता है कि डॉन क्विक्सोटो को लगता है कि ये तो जायंट्स हैं. जायंट्स मतलब समझ रहे हैं, जायंट्स जिसे आप राक्षस कहिए, भूत कहिए, कुछ भी, एक बहुत बड़ा सा आदमी अगर है, बहुत खतरनाक है, भयानक है, तो उसको जायंट्स बोलते हैं. तो डॉन क्विक्सोटो को लगता है कि ये जायंट्स हैं. ओके, और सैंचो से बोलता है कि मैं जो है इनसे लड़ूंगा. अब आगे हम लोग देखते हैं. ठीक, Watch out, Don Quixote, yelled Sancho. But it was too late. His lance stuck into one of the windmill's blade, and he was swept up his horse and high into the air. He fell with a loud clang to the ground, and his helmet turned the other way off his on his head. देखिए, जब ये उस विंड मिल के पास जाते हैं, उसके नज़दीक जाते हैं, तो विंड मिल से ना बहुत तेज़ आवाज़ आती है, क्योंकि विंड मिल चलने लगता है, हवा तेज़ रहती है, हवा बहुत तेज़ी से चलने लगता है, जानते हैं, वो चलेगा ही, तो आवाज़ आती है हन 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 की. तो उसी बीच जो है डॉन क्विक्सोटो जब जाते हैं उस पर प्रहार करने, तो सैंचो चिल्लाता है ज़ोर से, डॉन क्विक्सोटो देखो उधर. लेकिन इट वॉज टू लेट, लेकिन ज़्यादा मतलब लेट हो गया था. हिज लैंस स्टक इन टू वन ऑफ द विंड मिल्स ब्लेड, इनका जो लैंस था, लैंस ना जो इनका हथियार था, जो इनका विपन था, वो विंड मिल के एक ब्लेड पे लग चुका था. जो ब्लेड मतलब ना जो पत्ती होता है ना, पंखी का जो पत्ती होता है ना, उसको बोलते हैं, उस पर इनका विपन जो है लग चुका था. And he was swept up his horse. और ये जो है खूब तेज से जो है उछल गए, मतलब उछल गए ना, जिसे उड़ गए, off his horse, और जो है आकर के horse के साथ ही मतलब उछल गए, and high into the air, खूब ऊंचा मतलब हवा में उड़ गए. He fell with a loud clang to the ground. उसके बाद वो जो है खूब धड़ाम से जो है गिरे जमीन पे. क्लैंग मतलब ना बहुत तेज से आवाज में वो गिरे धड़ाम से. एंड हिज हेलमेट टर्न द अदर वे ऑफ हिज हेड, और जो उनका हेलमेट था वो भी जो है छटक के जो है फिर आकर के इनके सिर पे ही गिर गया. डिडंट टेल यू देवर विन मिल्स, सेड सैंचो एज ही रैन ओवर टू हेल्प हिम ट्रेन गेट ऑन हिज फीट. अब देखिए, सैंचो जो है तुरंत दौड़ता है उनकी हेल्प के लिए, क्विक्सोटो के हेल्प के लिए दौड़ता है उनके पास, और बोलता है कि मैंने बोला था ना कि विंड मिल्स हैं, मतलब कि ये विंड मिल हैं, जायंट्स नहीं हैं. उसके बाद देखिए, दे वर चेंज इन टू विंड मिल्स बाय मैजिक, सेड डॉन क्विक्सोटो. दे आर रियली जायंट्स. अब देखिए, अभी भी डॉन क्विक्सोटो को लग रहा है कि वो सब जायंट्स हैं, मतलब कि भूत हैं, विंड मिल्स नहीं हैं. दे वर चेंज इन टू विंड मिल्स बाय मैजिक, ये जो है बदल गए हैं विंड मिल्स जो के रूप में, जादू से ये बदल गए हैं विंड मिल्स में, लेकिन ये रियल में जायंट्स ही हैं, डॉन क्विक्सोटो बोल रहे हैं. देन डॉन क्विक्सोटो हैड एन आइडिया, तभी जो है डॉन क्विक्सोटो के दिमाग में एक आइडिया आया.
उन्होंने बोला क्विक सैंचो, मतलब कि जल्दी सैंचो, गेट मी माई सैडल बैग, जाओ मेरा सैडल बैग लाओ, माई मैजिक बॉल इज इन इट, उसमें मेरा एक मैजिक बॉल है, बाउल मतलब कटोरा है, जादू का कटोरा है, जादुई कटोरा है। आई विल शो दिस जायंट्स दे कांट फूल मी, मैं दिखाऊंगा तुम्हें कि ये जो भूत हैं वो मुझे मूर्ख नहीं बना सकते, ये जायंट्स जो है मुझे मूर्ख नहीं बना सकते। सैंचो रश्ड ओवर टू रेसिनेंटे एंड गॉट द सैडल बैग, सैंचो जो है तुरंत तेजी से जाता है रेसिनेंडो के पास। रेसिनेंटे कौन है, उसका जो जॉन की सूटो है उनके हाथ का नाम रहता है ना रेसिनेंटो, तो सैंचो तुरंत जो है घोड़े पर जाता है और सैडल बैग लाता है। ही टुक आउट द बाउल फील्ड एज इट वॉज विद कॉट, वह बाउल निकालता है उसमें से, बैग में से जो कि भरा हुआ था कर्ड से, दही से भरा हुआ था बाउल। परहैप्स डॉन क्यूसूटो हैड एडेड अ मैजिक पोशन टू द कर्ड ही थॉट, लेकिन उसे लगा ना कि डॉन क्यूसूटो ने, सैंचो को लगा, जब सैंचो खोला ना उसको निकाला बैग में से, तो उसे लगा कि हो सकता है कि शायद डॉन क्यूसूटो जो है उसमें कुछ मैजिक पोशन मतलब ऐड किए हों, डाले हों, क्योंकि वो तो दही से भरा हुआ था ना, तो इसे लगा कि ये दही नहीं है, हो सकता है कोई और भी लिक्विड वाला तत्व हो जो डॉन क्यूसूटो उसमें डाले हों और वो भी मैजिकल कुछ हो। गिव मी द बोल सेड द ब्रेव नाइट, आई विल वियर इट ऑन माई हेड एंड टर्न द विंडमिल्स बैक इनटू जायंट्स। उसके बाद जो नाइट है डॉन क्यूसूटो जो है अपने आप को सूरवीर समझते हैं ना, तो उन्होंने कहा कि मुझे दो, लाओ बाउल मुझे दो, कटोरा, मैं इसे पहनूंगा, आई विल वियर इट ऑन माई हेड, मैं इसे अपने सिर पे पहनूंगा और इस टर्न द विंड मिल्स बैक इनटू जायंट्स, और जो विंड मिल है उनको वापस जो है जायंट्स में बदल दूंगा, मतलब कि ऐसे जादू करूंगा। बट द बाउल्स फुल ऑफ, तभी सैंचो बोलता है लेकिन बाउल फुल ऑफ मतलब भरा हुआ है, तब मतलब तब तक देर हो जाती है, डॉन क्यूसूटो हैड ऑलरेडी पुट द बाउल ऑन हिज हेड, अभी इतना ही बोलता है कि डॉन क्यूसूटो जो है तब तक पहन लेते हैं अपने सिर पे उसको जो कैप है, जो बाउल है। द कर्ड बिगिन ड्रीप ऑल ओवर हिज फेस, अब देखिए उसमें कर्ड रहता है ना, दही रहता है, तो वो जो है पूरा इनके मुंह पे जो है गिरने लगता है, पूरे मुंह पे गिरने लगता है जो कर्ड है जब से ये कटोरे को पहनते हैं। तो हेल्प सैंचो हेल्प माई ब्रेन इज मेल्टिंग, सैंचो माई ब्रेन इज मेल्टिंग, दोज विग्ड जायंट्स हैव कास्ट अ स्पेल ऑन मी, अब देखिए अभी भी अब बोल रहे हैं ना हेल्प सैंचो, जो डॉन क्यूसूटो है वो सैंचो से बोलते हैं हेल्प सैंचो, मतलब मेरी मदद करो, हेल्प माई ब्रेन इज मेल्टिंग, मेरा जो ब्रेन है वो मेल्ट कर रहा है, मतलब कि पिघल रहा है, मेरा ब्रेन पिघल रहा है। दोज विग्ड जायंट, वे दुष्ट जायंट्स जो हैं हैव कास्ट स्पेल ऑन मी, मुझ पर कोई जो है जादू कर दिए हैं, मेरे ऊपर कोई जादू कर दिए हैं, कोई मंत्र पढ़ दिए हैं, स्पेशल स्पेल मतलब यही होता है कि कुछ जादू टोना कर देना। ओह डॉन क्यूसूटो सैंचो कुडन स्टॉप लाफिंग, ये उसके बाद सैंचो जो ना हंसना उसका बंद नहीं होता है, लगता है हंसने, बोलता है ओह डॉन क्यूसूटो लेट्स गो होम, मतलब चलिए घर चलते हैं, विल कम अनदर डे, हम लोग किसी दूसरे दिन आएंगे, व्हेन द विंड इज नॉट ब्लोइंग एंड गेट दोज जायंट्स, जब हवा नहीं चल रही होगी तब हम लोग आएंगे और इस ये जो जायंट्स हैं इन्हें हम लोग पकड़ेंगे। ही सेड फाइनली, उसने मतलब ये बोला सैंचो ने, ऑल राइट विल गो बट जस्ट टिल आई कैन गेट माई ब्रेन फिक्स्ड, अब ये भी बोलते हैं
डॉन क्यूसोटो की हाँ ठीक है हम जाएंगे, लेकिन तभी जब तक कि मेरा ब्रेन जो है वो फिक्स नहीं हो जाता। आई एम नॉट गिविंग अप, मैं हार नहीं मानूंगा, मतलब हम मैं हार नहीं मानूंगा जब तक कि मेरा ब्रेन फिक्स नहीं हो जाता है। आई एम अ नाइट, मैं एक शूरवीर हूँ, मतलब बहादुर हूँ, एंड समडे आई विल बी अ हीरो, और एक दिन मैं हीरो ज़रूर बनूंगा। मतलब वो बोलते हैं कि ठीक है हम चलेंगे, लेकिन जब तक मेरा ये ब्रेन फिक्स नहीं हो जाता तब तक नहीं, मैं हार नहीं मानूंगा, क्योंकि मैं शूरवीर हूँ और एक दिन मैं हीरो बनूंगा। ये स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल अबाउट द चैप्टर। ओके, आई होप आप समझ में, आपको समझ में आया होगा पूरा अच्छे से। थैंक्स।